हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अंडा भुजिया का रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी है, तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करना और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं ऐसे सिंपल एंड टेस्टी रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडा भुजिया बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल गरम होते ही हम इसमें देंगे अनियन और ग्रीन चिली। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 बड़ा साइज का प्याज काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और 2 हरी मिर्च हमने यहाँ पर लिया है। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अनियन को हल्का सा ब्राउन कलर का होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का टोमेटो। टमाटो को अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा टमाटो हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। तो मैंने यहाँ पर 3 अंडा का भुजिया बनाया है। इसमें हम ऐड करेंगे नमक। मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच नमक लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करें। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब सारे मसालों के साथ अच्छे से अंडा को मिक्स कर देते हैं। एंड इस तरह से कलछी के सहारे हम इसे तोड़ लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बंच जैसा मैंने इसमें धनिया पत्ता ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड बस थोड़ी देर के लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है अच्छे से, ताकि अंडा हमारा अच्छे से पक जाए एंड दोनों साइड से ब्राउन कलर का हो जाए। ये देखिए, अंडा का भुजिया का कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। हमारा अंडा भुजिया बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना सिंपल रेसिपी है। तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करना और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे सर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा अंडा भुजिया का रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं ऐसे सिंपल एंड टेस्टी रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।